व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। अभी उठा हूँ, फुल ऑन एनर्जी, क्योंकि फाइनली आई एम बैक। मेरी तबीयत ठीक हो चुकी है, मेरी सारी दवाई के डोज खत्म हो चुका है। मेरे दिमाग से है ना, मेंटली मुझे क्या लगता है पता है, ये सारा डॉक्टर का षड्यंत्र है। डॉक्टर विष्णु भाई, आपने रोज रात को ऐसी दवाई दी ना, पूरा दिन, दूसरे दिन मुझे नींद आती है, और जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ना तबीयत खराब है। सच बता रहा हूँ, मैं जिस दिन वो दवाई नहीं लेता हूँ ना, जैसे खत्म हो गई है, तो आज मुझे अच्छा लग रहा है। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग। हो सकता है ना, ये हो सकता है ना, तो दवाई भी ना, तू आराम पड़ना। नहीं, वो बात नहीं है, पर ऐसा हो सकता है ना भाई। भी बात सही है कि नहीं, कि जब भी नींद वाली दवाई होती है तो दूसरे दिन पूरा बॉडी में तुमको थोड़ा चक्कर लगता है, नींद आती है, जिस वजह से ऐसा लगता है कि तबीयत खराब है। अभी भी लगता क्या, अंदर से शायद ठीक हो भी गई हो, है कि नहीं? तो अभी देखो, हम यहाँ पे बैठे हैं, मम्मी बाहर पे बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, और हमारे ये लाफिंग बुद्धा जो हंसते रहते हैं। हम यहाँ पे सैड बातें कर रहे हैं, हम हैप्पी बातें कर रहे हैं, हम बिजनेस की बातें कर रहे हैं, बस हंसते रहते हैं। अंकिता यार, मेरी एनर्जी बैक आ गई है, तो इसका मतलब ये तो नहीं तू गायब हो जाए। ये लो, ये क्या बोलते हैं उसको, मुंह दिखाई हो गई, जाओ। तो गाइस, आज का व्लॉग शुरू करते हैं। मम्मी और मैं ना कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए बात कर रहे हैं, और काफी लोग पूछते रहते हैं कि पता क्या हुआ अभी बीच में, मैंने दो तीन बार ऐसा बोला ना, ओ मासी हेलो हेलो, वो आप बीच में बोले तो मैंने बोला चलो आप भी हेलो बोल ही दो। अरे हाँ, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय माता दी, जय माता दी, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। हाँ, स्टूडियो स्टूडियो स्टूडियो। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि लास्ट में दो तीन बार मैं ऐसा बताया कि मैं और मम्मी मीटिंग के लिए जा रहे हैं, मैं मीटिंग के लिए जा रहा हूँ वगैरह वगैरह, तो लोग पूछने लगे कि भाई यार तुम लोग कौन सी मीटिंग में जाते रहते हो। मैं बता देता हूँ, आज क्लैरिफाई कर देता हूँ भाई, यूट्यूब के अलावा घर का काम धंधा है, ये बंगला शंगला उस यूट्यूब से नहीं बनता, ठीक है? यूट्यूब से ये वाली गाड़ी नहीं आती, यूट्यूब से वो आती है, कौन सी आती है नहीं बोलना अभी। मम्मी सेंट्रो बोल रही है, स्विफ्ट आती है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वैसे तो देखो वरना तो थी। नहीं, स्पोर्ट्स कार्स वगैरह भी आती हैं, पर वो अभी इस लेवल पे नहीं आती, ठीक है? होपफुली आप लोगों के सपोर्ट से आगे जाके बात अलग बात है, फिर भी मैं नहीं लेने वाला वो सब, अपने वैसे बड़े बड़े शौक है नहीं। तो मैं ये बोल रहा हूँ, फैमिली बिजनेस है, लैंड एंड प्रॉपर्टीज का है वगैरह वगैरह, तो वो नहीं, हमारे पप्पा वो देखो, ये देखो मासी, फिर से आप बीच में गेस्ट अपीयरेंस मारते रहो बस, ठीक है? जो मेरे बहुत ही मतलब मिस्ड पिताजी हैं, जो काफ़ी लोग पूछते हैं कि भई आपके पापा क्यों नहीं दिखते हैं, तो यार माय डैड एक्सपायर्ड जब मैं बहुत छोटा था, तो पापा का बिजनेस था, लैंड एंड प्रॉपर्टीज था, जिसको बहुत ही अच्छी तरीके से मम्मी ने आगे ले गई है, एंड बहुत ही अच्छी तरह से अभी संभाल रही है। अभी इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, वरना मम्मी का एक आँख में से गंगा एक आँख में से जमुना बहेगी, और अपने भी थोड़ा इमोशनल हो जाएंगे। मेरे को पीना है अभी सुबह सुबह मिल्क, और लूंगा मेडिसिन, आगे का ब्लॉग बाद में कंटिन्यू करते हैं, वैसे ही काफी लंबा हो चुका है ना मम्मी। हेलो यार, देखो मम्मी मुस्कुरा रही है, वहाँ पापा ऐसा देख रहे गुस्से में, मेरी बातें क्या कर रहे हो वे? अभी बज रही है 1:45, मैं अभी एडिटिंग शुरू करने वाला हूँ, एंड होपफुली मेरा 3 बजे से पहले लाइव हो जाए। अबे यार, माउस की बैटरी डेड हो गई, इसको 5 मिनट चार्ज करने लगाना पड़ेगा। तो मेरा फाइनली एडिट अपलोड खत्म हो चुका है, 3:10 पे लाइव करने का प्लान किया, क्योंकि 3 बजे टाइम पे नहीं हो पाया, 3:06 हो चुकी थी, और अभी भी थंबनेल तो बनाया ही नहीं मैंने, सीधा बस लाइव डाल दिया है, थंबनेल रैंडमली से इमेज डाला है, अब थंबनेल बनाऊंगा फिर उसको अपडेट कर दूंगा, देखा जाएगा, फिर ज्यादा लेट ना हो जाएगा तो हम लम लेट हो जाएंगे। और इसको देखो, ये तो पता नहीं कौन सा अपने वीडियोस की सेटिंग्स कर रही है अंदर, रील कर रही हूँ, रील को शॉर्ट्स एडिट कर रही हूँ। अरे वो शॉर्ट्स उसको रील में नहीं डालेगी क्या? डालूंगी ना, तो एक ही बात होती है सब, नहीं होती ये बात, कॉपी पेस्ट वाले लोग, चल हट, मैंने तो करती हूँ ना खुद ही, हटा के मेरा मेरे पास से हटा। वो बात हजम नहीं हुई ना इसलिए, तो इनो खा, डाइजिन पी, गैसेक्स खा, सोडा पी, मेरी बॉडी खुद मेहनत करती है ना, इसलिए मैं नहीं खाता ये सब, नहीं जब डाइजेस्ट ना होना चीज़ तो ये सब ले लेने का, ओके शट अप, हाज मौला की गोली, चल हट। तो लंच हो चुका है, डन, ग्रीन टी लेके आया हूँ, क्योंकि अंकिता ने मस्त मस्त बनाई है, अंकिता ने अभी है ना वीडियो देखते देखते बंद किए, फुकरा इंसान वाला, वो डिम्पल मलान ब्लॉग्स के ब्लॉग देख रही थी, पर जैसे मैंने ब्लॉग शुरू किया उसने मिनिमाइज कर दिया, क्यों? गिव मी द जूरी डिस्ट्रक्शन जस्टिफिकेशन, कॉपीराइट ना आया नहीं इसलिए, ओहो ब्लॉग में नहीं आता है बे। एनीवेज, तो हम कर लेते हैं
मे व्लॉग एडिट, उसके बाद निकलेंगे आज बाहर, मजा आएगी। सोच रहे OMG 2 या तो फिर गदर 2, दोनों में से कोई 2 में से कोई एक 2 देख लेना है आज। अब कौन सा देखेंगे वो भी जिसकी टिकट मिलेगी वो देख लेंगे, जिसका शो हमारे सही टाइम पे लगेगा। भैया यहाँ से नजारा कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, हम थोड़ा ऊपर लगा यार। क्या हुआ पर यहाँ से नजारा कितना ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, हम सीढ़ियों से थोड़ा सा ऊपर की तरफ गए पर मेरा को आ गया बहुत ज्यादा गुस्सा, क्योंकि ये देखो यहाँ पे भी खुद के फोटो वीडियो देखने में लगी हुई है। तू शायद है ना, मेरे को नहीं मेरे को ऐसा बोला मालूम है। पर यहाँ से नजारा कितना ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, हम सीढ़ियों से थोड़ा सा ऊपर की तरफ गए पर मेरा को आ गया बहुत ज्यादा मेरा को ऊपर की तरफ गए पर मेरा को आ गया बहुत मैं रिकॉर्ड कर लिया, लास्ट टाइम तो बंद कर दिया था ना, ये देख देख फिर बंद कर दिया इसने। अकेले अकेले ब्लॉग देख के हंसे जा रही है। अपना आज का ब्लॉग देखा है तूने सुबह का? झूठ मत बोल, मेरे पास प्रूफ है कि तूने नहीं देखा है अब तक। कल हाँ कमेंट नहीं होते है, वो तो तू इसमें भी नहीं करती है। तो क्या हुआ? फाइनली हम लोग घर से निकल चुके हैं यार। पता नहीं मैं जब भी अंकिता को बोलता हूँ ना अच्छे कपड़े निकाल, बहुत अच्छे कपड़े निकालती है, मजा आ जाती है। सही है ना? वाच मत ये, सही है वाला। तो यही बोला ना मैंने, अरे हम लोग का झगड़ा हुआ है, ऐसा प्रिटेंड करा कि दुनिया में मैं असली बात बताती हूँ। इसको जब से ना शर्ट पहनता है व्लॉग में लोग तारीफ करता है ना, ये तारीफ करते उसके जैसे तो नहीं, पर इसको अच्छा लगता है कि शॉर्ट में मैं अच्छा ही लगता हूँ, अच्छा लगता हूँ, अच्छा लगता हूँ। ये टी शर्ट में भी अच्छा लगता था, ऐसा नहीं होता कि टी शर्ट रख दिया जाए और सिर्फ नए नए कपड़े ही पहना जाए। यार गाइस एक सेकंड, मुझे सिर्फ ऐसे नॉर्मल काउंटिंग में बता ना मेरे टैग वाले कितने कपड़े पड़े होंगे अभी? 15-20 पड़े हैं इसके टैग लगे हुए, उससे भी ज्यादा हो गए। वो मुझे पहनने नहीं देती, मैं क्या करूँ, ये नहीं पहनने देती, इतना हैवी हैवी जैकेट ऐसे नॉर्मल में पहन के जा सकता है कोई, मतलब जगह देखो और उसके हिसाब से कपड़े पहनने का हो। तो फिर खरीदने क्यों दिया था? क्योंकि तो पसंद आए थे इसलिए खरीदने दिए थे। फिर कपड़े पे रहने देगा? नहीं, पर वो जब टाइम आए वैसा ओकेजन आए तब पहनना। एनीवेज हम लोग ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट हो चुके हैं, वो नई बात है नहीं, और हम लोग जा रहे हैं OMG 2 देखने। हाँ 2 देखने के लिए, क्योंकि मैंने अंकिता को ऑप्शन दिया था कि गदर 2 देखना है या OMG 2, तो अंकिता ने बोला मेरा प्यारा अक्षय कुमार मेरा बहुत फेवरेट है तो पहले OMG देखने जाते हैं, मेरा ठीक है, पर बाकी मेरे को तो हैंडपम्प तोड़ता हुआ टूटता हुआ देखने जाना था पहले, पर कोई नहीं उसको कल का कुछ प्रोग्राम कर लेंगे अगर टाइम सेट हुआ तो। सीधा चलते हैं क्योंकि ऑलरेडी 5 मिनट ओवर द टाइम है। ये लोग भी बहुत दिन के बाद देख के खुश हो जाएंगे। ये देखो ऐसे ही मैंने टेढ़ी गाड़ी पार्क कर दी, मैंने बोला जल्दी मैं जा रहा हूँ और उनको वैसे भी कोई और लोग लाइन पे लगे हुए हैं, और थैंक गॉड इन दोनों के अलावा ना ये वाली लिफ्ट चालू हो गई वापस से है ना। बहुत के बाद आया ये मॉल, हाँ मॉल बहुत टाइम के बाद आया तो लोग बोलना नहीं, हाँ वो इसी मूवी के लिए जा रहे, मॉल में तो पता नहीं निकलेंगे तब तक बंद हो जाएगा। हाँ मैं इसलिए बोल रहा था ये वाले लिफ्ट थैंक गॉड चालू होगी, बिकॉज ये सिर्फ ग्राउंड फ्लोर से ले और पार्किंग से लेकर सीधा थिएटर में जाती है और कहीं नहीं जाती है लिफ्ट, बीच में कहीं रुकती नहीं बार बार। और मॉल में सबसे वियर्ड क्या होता है पता है कि बार बार रुकती तो है पर नीचे चली जाती है, बोलते नहीं नीचे जा रही है इसलिए अभी नहीं, अगर ऊपर जाना हो तो फिर नीचे से भर के आती है, बोले अभी ऊपर जा रही है पैक है, तो बीच में आदमी करेगा क्या, नीचे ऊपर ही साला। अभी अभी रिकवरी आई है ना तो अभी तो पानी लिया है, अंकिता जिद कर रही है कि तो कुछ खा ले, पर मेरे को ना थोड़ा टेंशन हो रहा है खाऊं या नहीं खाऊं। मैंने नाचोस भी ऑर्डर किए, अभी देखते हैं होपफुली तबियत और ना बिगड़े, भूख तो लगी है। पी भी रही क्या रॉ का जूस ये? भाई ये मुझे एक चीज़ समझा, ये रॉ ब्रांड का इतना महंगा क्यों होता है? सिर्फ इम्पोर्टेड होता है इसलिए ना, बाकी मुझे तो कुछ लगता नहीं है खास इसमें, टैक्स ज़्यादा होता है इसका और कुछ नहीं है। अभी हुआ है हमारा इंटरवल और मूवी अब तक बहुत अच्छी लग रही है, देखो कंपेयर नहीं करो तो फर्स्ट पार्ट से, मैं नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, मैं मूवी के अंदर कर रहा था तब अंकित गुस्सा हो गई मेरे पे, और मूवी एक्चुअली में अच्छी है बट पता नहीं मतलब सब लोगों को अच्छी लगे नहीं लगे मालूम नहीं है, पर मुझे जेन्युइनली मूवी अच्छी लगी। हाँ तो छोटी लगी मूवी, हाँ बहुत ज़्यादा छोटी लग रही है मूवी। और इंटरवल भी हो गया, हमने लिए कॉफ़ी, मैं इसको इसके लिए ज़बरदस्ती लिए और मैंने मेरे लिए लिए क्योंकि मुझे थोड़ा सा डिहाइड्रेशन भी हो रहा था, पता नहीं वीकनेस अभी भी बहुत ज़्यादा लग रही है बॉडी के अंदर, मैंने रिकवरी हो चुकी है पर पूरी नहीं हुई। थैंक यू भैया।
मूवी हो चुकी है खत्म एंड सच बोलूं देखने लायक मूवी है एक्चुअल में देखने लायक है। देखो आसमान जमीन का फर्क है बट देखने लायक मूवी नई अलग तरीके से मूवी देखने जाओ ना तो अच्छी मूवी तो बहुत ज्यादा वो क्लियर दिखता है। मुझे लगता है अगर OMG 1 जो थी ना वो अगर अभी रिलीज हुई होती तो शायद रिलीज ही नहीं होती सारे कट पे चले जाता। अभी मेरे ख्याल से धीरे धीरे एंटरटेनमेंट जो सेक्शन है ना जगह पे ऐसा हो रहा है कि उसके लिपसिंग अलग है और डायलॉग अलग सा है तो जो डबिंग में चेंज किए गए हैं काफ़ी ज़्यादा दिखता है वो दिख जाता है बहुत ज़्यादा क्लियर दिख जाता है। बट या आई थिंक एक बार देखने लायक मूवी है गदर 2 के मुझे हम देखने वो कल जाएंगे अभी एनर्जी नहीं बची मेरी कल। सब इस तमिल के बीच में से निकल रहे थे तो हमने सोचा चलो हम भी ट्राई करते हैं बड़ी भारत भारत वाली अच्छी फीलिंग आई हमारा भारत महान चाय क्या होता है क्यों उस दिन मैंने कॉफी फ्रेपे लिया था पर तू बोली थी कौन कॉफी होती है वैसे चाय नहीं चाय होती कॉफी फ्रेपे हो सकता है चाय फ्रेपे नहीं हो सकता। वो देखो हमारी गाड़ी इधर ही पड़ी है बाहर सामने के सामने यार मॉल में गए थे तब तो हमने ये दिखाई नहीं बहुत अमेजिंग बनाया ये है ना आज तो आपको बोलने की जरूरत ही नहीं मेरे को ये गोल गोल क्यों घूम रहे हो ये लो जूम इन मार लिया आपको मैं बोल रहा हूँ तो आपको बोलने की जरूरत ही नहीं मेरे को कि गाड़ी लेके आओ यस यस यहीं पे पड़ी है यहीं पे यहाँ पे इतना क्राउड हो जाता है आपकी गाड़ी के पास कि यानी कि मेरे को पूछने मेरे यहाँ पे कस्टमर आते तो मैं उनको छोड़ के आपके कस्टमर को जॉब देता हूँ। मैं वही तो बोल रहा हूँ जब गाड़ी यहाँ पे एकदम एकदम मुंह पे पड़ी होगी तो बहुत लोग पूछ रहे होंगे फिर मैं उनको ऐसा ही बोलता हूँ आपके फैंस को कि भाई वो अभी नहीं आएंगे वो तो 2-3 बजे के बाद आएंगे मूवी में गए अरे बाप एक एक घंटे तो वेटिंग में इधर खड़े रहते हैं। हाँ वो तो मुझे मालूम है वो ऐसा होता है बहुत बुरा लगता है मैं पागल हो जाता हूँ इधर उनको पर देते देते पर ऐसे जब जो एक एक घंटा वेट करते हैं उनको बोला करो अंदर देख लो क्योंकि यहाँ पे खड़े रहने से यार हमको भी बुरा लगता है कि लोग खड़े रहते हैं एक एक घंटा ऐसा बोलते हैं कि अंदर कहाँ ढूंढेंगे वो आएंगे यहीं पे आएंगे ऐसा बोलते बोले कोई बात नहीं एक घंटा हाँ मैं यहाँ पे वेट करूंगा। वैसे आपने भी कितने टाइम के बाद मिले नहीं हम तो उदयपुर गए थे उसके बाद मैं बीमार हो गया था चलो मिलते हैं ओके मिलते चलो चलो बाय गुड नाइट मिलते भैया जी अरे नहीं उड़ाऊंगा आपको टेंशन ना लो भैया ने चेयर हटा लिया था भैया बोले उड़ा देंगे चलो यार चलते हैं।